गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। और जो हम देख रहे हैं बच्चों, इनमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर एक से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन, फास्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है 2019 सेकंड से रिलेटेड है, सितंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों हमें यहाँ पे मिलता है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज या वर अमंग द डिसीजंस टेकन बाय द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हेल्ड इन फिलाडेल्फिया इन सितंबर 1774। अब इन्होंने क्या पूछा, 1774 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। और 1774 से रिलेटेड अगर बच्चों यहां पे कांग्रेस वर्ड मिल रहा है आपको, यानी कि कांग्रेस मिल रहा है, तो भारत में कांग्रेस कब आई, 1885 में। यानी कि सीधा सिंपल सा क्वेश्चन भारत से रिलेटेड नहीं है, यानी कि क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये कहीं और से रिलेटेड है। यानी कि सबसे पहले कांग्रेस का जो समूह दिखाई दिया वो बच्चों हमें यूएसए में दिखाई दिया, और कांग्रेस को बोला जाता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का ग्रुप, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अगर हिंदी में इसे देखा जाए तो बच्चों इन्होंने पूछा था सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों में से कौन सा या से निर्णय लिया गया था। अब लिया गया था, राइट को चूज करना है हमें। अब देखो बच्चों, पहला, इट रिजेक्टेड ए प्लान फॉर ए कॉलोनियल यूनियन अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी। भाई बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। पहला ध्यान रखना, यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, ब्रिटेन ने कहा था कि हमारे नीचे एक संघ बनाया जाए और सारे हम क्या रहेंगे, महारानी प्रमुख रहेगी, जो हमारी महारानी है वो प्रमुख रहेगी, और उसके नीचे अलग अलग सरकारें रहेगी जो ब्रिटेन की महारानी को प्रमुख मानेगी, और उसके उसकी एक कॉन्फेडरेशन बनाई जाए, यानी कि उसके नीचे स्टेट रहेगी। बच्चों ये अमेरिका ने पूरी तरह नकार दिया था, यानी कि जो लोग थे, मतलब जो कांग्रेस में उस समय पार्टिसिपेट कर रहे थे फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन हुआ, उन्होंने नकार दिया था। तो बच्चों राइट स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी रहेगी। इसके बाद इट ड्रू अप ए स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवनेंस। बच्चों ये देखो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो शिकायतें की जा रही थी ब्रिटिशर से लेके, उन शिकायतों के निवारण के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, नहीं ऐसा नहीं था। अब चलते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे। इट आर्ग्यूड ओपन ए स्कीम टू स्टॉप ट्रेड बिटवीन द क्लोनीज एंड इंग्लैंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यानी कि भाई नीचे की देखकर आपको आंसर चूज करना है, और ये तीन स्टेटमेंट हमें मिली। तो तीसरी स्टेटमेंट में बच्चों क्लोनियल और इंग्लैंड की बात की गई है। क्लोनी क्या होता है बच्चों, उपनिवेश होता है, जो कोई बड़ी कंट्री होती है एक्चुअल में वो अपने नीचे जब अपने देश को विकसित करने के लिए क्लोनी बना लेता है, या फिर अपने नीचे उपनिवेश बना लेता है। जिस प्रकार भारत एक्चुअल में पहले क्या था, ब्रिटेन की क्लोनी था। अमेरिका पहले क्या था, ब्रिटेन की क्लोनी था। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की क्लोनी था। इस टाइप से जो अभी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलती है वो बच्चों सारे के सारे ब्रिटेन की क्लोनी रहे हुए हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट हमें दिखाई देती है यहां पे, वो स्टेटमेंट भी बच्चों पूरी तरह राइट है। अब थर्ड स्टेटमेंट राइट है तो हमें क्या करना है, कोड देखना है, इनका कोड क्या है। तो बच्चों एक और तीन बिल्कुल गलत, दो गलत, एक और दो बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि हमारा राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, सी रहेगा बच्चों। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिजाइन ऑफ टेरर। अब बच्चों ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, और ये एनडीए 2019 के सेकंड का क्वेश्चन है, 2019 सेकंड एग्जाम का। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। द जेकोबियंस डेसिड आउट द गेरोडेंट्स विद द हेल्प ऑफ सन्स क्लोटेट्स। अब बच्चों इन्होंने किसके बारे में पूछा है, क्यूलोट्स की मदद से गेरिनुट को धराशायी कर दिया। एक्चुअल में ये फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि फ्रांस की रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो इसकी जो ए स्टेटमेंट जो हमारे पास रहती है वो पूरी तरह अगर बात की जाए तो ये राइट स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नोट करेक्ट स्टेटमेंट की हमें देखना है, क्योंकि बच्चों ये जेकोबियन क्लब था। और जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था
कि जो मैसूर में टीपू सुल्तान जब राजा बना, मैसूर का किंग बना, तो टीपू सुल्तान ने भी इस जेकोबियन क्लब की सदस्यता ली थी, और यही वो जेकोबियन क्लब है फ्रांसिसियो का। तो बच्चों ए स्टेटमेंट तो इसकी राइट है, बट यहाँ पे नोट करेक्ट पूछा गया है, तो उस हिसाब से हमारी ए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। इसके बाद द जेकोबियंस वर इन लीग विद द फ्रेंच क्लेर्जी। अब बच्चों ये स्टेटमेंट जो हम देखते हैं कि ये फ्रांस के पादरियों के साथ की लीग थी, पादरी एक्चुअल में जो फ्रांस के धार्मिक लीडर थे, धर्म से रिलेटेड लीडर थे, उनके साथ बनी हुई लीग थी। तो बच्चों ये भी पूरी तरह वैसे तो राइट स्टेटमेंट रहेगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हो जाएगी। अब बच्चों थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। द अरेस्ट फॉर एंटी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वाज बाय लॉ रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिटिकल क्लास। बच्चों ये स्टेटमेंट पूरी तरह आंसर के, यानी कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट राइट है, और वैसे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे नोट करेक्ट पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर सी रहेगा। इसके बाद हम फोर्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं। द रिजाइन ऑफ टेरर कम टू एन एंड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ रोबेस्पेरी बाय द ग्लुटिन इन जुलाई 1794। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत रहती है, और वैसे ये स्टेटमेंट राइट है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, पूरी तरह सी सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमें एनडीए 2019 के सेकंड एग्जाम से दिखाई दे रहा है, यानी कि 2019 के सेकंड एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। भाई कौन सा ऐसा बंदा था जिसने पहली बार आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो बच्चों इसके बारे में हम देखते हैं स्टेटमेंट, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये तो बच्चों बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यानी कि आंसर तो ए ही रहेगा। लेकिन इसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर सी दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों क्वालिफाई तो ये भी थे, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, फर्स्ट यानी कि पहला कौन था। तो पहला बच्चों सत्येंद्र नाथ टैगोर था। तो हमारा राइट स्टेटमेंट क्या रहेगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बच्चों एनडीए के एग्जाम 2019 सेकंड से रिलेटेड है, यानी कि एनडीए का एग्जाम 2019 के सेकंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें दिखाई देता है। और इस क्वेश्चन को जब हम लेते हैं तो देखते हैं बच्चों कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, यानी कि इस मतलब हमारी स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं आ रहा, फिर भी हम इसको देखते हैं। तो बच्चों यहां पे इसके आंसर आपको दिखाई दे जाएंगे ए बी सी डी। तो इसको मैं नीचे कर रहा हूं थोड़ा सा स्टेटमेंट लेने के लिए, अभी देखते हैं हम इसकी स्टेटमेंट क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज वर अमंग द फैक्टर फॉर इंग्लैंड टू एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फास्ट। भाई सिंपल सा, औद्योगिक क्रांति को अनुभव करने वाले कारक इंग्लैंड में क्या क्या थे। अब देखो The scientific invention had paved the way for industrial revolution. औद्योगिक आविष्कार हो रहे थे, सिंपल सा आंसर, औद्योगिक आविष्कार यानी कि डिस्कवर, कोई चीज डिस्कवर होगी, इन्वेंशन होगा, तभी तो इंडस्ट्री लगेगी। यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह क्या रहती है, राइट रहती है। इट हैड फॉरएवर सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन पैलेस, बिल्कुल राइट। देखो बच्चों कंपनी अपना विस्तार कर रही थी, इंग्लैंड अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बढ़ाता जा रहा था और अपने नीचे कॉलोनी बनाता जा रहा था, जिससे उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत हो गया, तो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी अच्छा था और सोशल स्ट्रक्चर भी अच्छा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के लिए वहां पे माहौल बना, ये भी सही है। तीसरा, नेविगेबल रिवर हैड मेड इनलैंड ट्रांसपोर्ट एरियाज। भाई नदी थी, टेम्स रिवर की बात करते हैं तो लंदन के पास से गुजरती थी, और दूसरी बड़ी बड़ी औद्योगिक जो इंडस्ट्रियां लगी, जो शहरों में इंडस्ट्रियां लगी उनको वो रिवर जोड़ती थी। दूसरा, ब्रिटेन जो था पूरी तरफ से समंदर से घिरा हुआ एक आइलैंड है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सस्ता था, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सस्ता होगा तो बच्चों इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें चाहिए क्या, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और लेबर, यानी कि सस्ती लेबर। तो ये सारी चीजें ब्रिटेन के पास थी, तो इंडस्ट्री कहां पे लगी, ब्रिटेन में, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी पूरी तरह राइट रहेगी। इसके बाद
फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें हम, तो फोर्थ स्टेटमेंट इट हैज सीन द असेंडेंसी ऑफ कैपिटलिस्ट प्रैक्टिस, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन, यूजिंग द कोड गिवन बिलो। भाई इन्होंने क्या बोला कि इससे पूंजीवादी प्रथाओं को अनुभव देखा जा रहा है। यानी पूंजीवादी प्रथा किसको बोलते हैं बच्चों, जहां पे कैपिटलिस्ट को बढ़ावा मिल रहा था। और ब्रिटेन पूरी तरह कौन सी कंट्री थी, कैपिटलिस्ट कंट्री। और कैपिटलिस्ट कंट्री होगी, पूंजीवादी कंट्री होगी, तो इंडस्ट्रियों को खुली छूट होगी, जो जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकती थी। और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियां थी वो मनमाना प्रोडक्शन कर रही थी। तो बच्चों इसकी स्टेटमेंट हमारी फोर्थ भी राइट रहेगी। अब हमें कोड में देखना है कि कोड में हमारे पास क्या है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर करते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन का जब हम कोड देखते हैं तो ए कोड में हमें एक और तीन दिखाई दे रहा है तो गलत, बी में एक तीन और चार दिखाई दे रहा है गलत, सी में चार तो गलत, डी आंसर हमारा क्या रहेगा पूरी तरह राइट रहेगा। यानी कि हमारी चारों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हु वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, कि भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। और बच्चों मैंने अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको बहुत बार बताया, एनडीए 2019 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, गलत। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बताया था आपको रियासती मामले थे, डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के। आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे बच्चों, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। और ये बच्चों कांग्रेस के लीडर थे और हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डाइज इन एक्सल, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वासन में हुई। एनडीए 2019 सेकंड का क्वेश्चन बच्चों, लास्ट टाइम देखो मैंने आपको बताया था जब हम कल वाली स्लाइड कर रहे थे, जब हमने कल क्वेश्चन किए तो हमने देखा कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड, और उसमें एक ऑप्शन था बहादुर शाह जफर। तो मैंने बताया था बहादुर शाह जफर एकमात्र भारत का बादशाह था जिसकी मृत्यु हुई थी भारत से बाहर, यानी कि म्यांमार में, क्योंकि उन्हें रंगून में भेज दिया गया था, भारत से निर्वासित कर दिया गया था 1857 के बाद। तो अब बच्चों देखो इन्होंने क्या ऑप्शन पूछ लिया, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन रिपीट करने का तरीका अलग है, सेम वही क्वेश्चन आया लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट इन्होंने चेंज कर दी। इन्होंने क्या पूछ लिया, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड इन एग्जाइल, भारत से बाहर कौन सा राजा मरा, कौन सा बादशाह मरा। देखो भाई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बिल्कुल गलत। अब तीसरे पे चलते हैं, तीन तांत्या टोपे ये भी भारत में, नाना साहेब भारत में। अब बताओ बच्चों कौन रह गया, बहादुर शाह जफर, यानी कि राइट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, बहादुर शाह जफर है। यानी कि देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसीलिए मैं बोलता हूं राइट आंसर के साथ हमेशा रोंग आंसर को भी देखा करो, यानी कि जो रोंग स्टेटमेंट है हो सकता है अगली बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ये बच्चों लास्ट टाइम ये रोंग आंसर था लेकिन इस बार ये क्या पूछ लिया गया, राइट पूछ लिया गया कि कौन से की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो बहादुर शाह जफर एकमात्र बादशाह है बच्चों जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2019 सेकंड से रिलेटेड है, यानी कि 2019 के सेकंड से रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन है। और जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों तो विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल बेसिड इन गांधी जी फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्वड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। भाई सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने बताया था कि जब गांधी जी का औद्योगिक मजदूर वर्ग, यानी कि गांधी जी के कौन से संघर्ष में औद्योगिक मजदूर वर्ग की फिलोसफी या औद्योगिक मजदूर वर्ग शामिल था, तो मैंने बताया था अहमदाबाद की कुछ इंडस्ट्रियां थी
जहां पे मील मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। मील मजदूरों ने कहा कि हमें प्लेग का बोनस चाहिए, लेकिन कंपनी मालिक उन्हें उतना बोनस देने को तैयार नहीं थे, और प्लेग के खत्म होते ही उन्होंने बोनस खत्म कर दिया। तो अब बच्चों विद्रोह हुआ, और ये कहां पे हुआ, तो देखो अहमदाबाद में, आपको पहले ही बता चुका हूं, तो राइट आंसर तो अहमदाबाद ही रहेगा। क्या चंपारण था? बिल्कुल गलत। चंपारण बिहार में हुआ। खेड़ा गुजरात में हुआ, लेकिन किस सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां से सरदार की उपाधि मिली, टाइटल मिला। बारदोली ये भी बच्चों नहीं है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, अहमदाबाद। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वर्चुअल ट्रेडिंग इन कर्नाटका। ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2019 सेकंड से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हम देखते हैं द वर्चुअल मूवमेंट वाज लीड बाय द ब्राह्मण नेमिड वसना ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द कल्चरी रूलर इन द 12th सेंचुरी। कि भाई ये 12वीं सेंचुरी में, यानी कि 12वीं शताब्दी में बासवना नाम के एक ब्राह्मण ने इसको स्टार्ट किया था, और ये किससे रिलेटेड था, तो कल्चुरी शासक से रिलेटेड वीरशैव आंदोलन था। अब बच्चों दूसरी स्टेटमेंट इसकी देखते हैं, द वीरशैव इनकोरेज प्रैक्टिस अप्रूव्ड बाय द धर्मशास्त्र लाइक पोस्ट पॉवर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडो। भाई इन्होंने क्या पूछ लिया, वीर शैवों ने धर्म शास्त्रों द्वारा अनुमोदित प्रथाओं को प्रोत्साहित किया, जैसे जैसे उन्होंने बोला यौन विवाह या फिर विधवा विवाह, इन चीजों को उन्होंने क्या किया, मतलब प्रोत्साहित किया। अब इन्होंने क्या दिया बच्चों, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट भाई करेक्ट है। तो अब इसमें हमें आंसर चुनने हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करना पड़ेगा हमें कि राइट आंसर हम क्या लें इसमें। तो राइट आंसर जब बच्चों हम बात जाएंगे, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही दिखाई देती है हमें, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी का आंदोलन था, और आंदोलन किसने किया, तो कल्चुरी शासक के दरबार में जो मंत्री, यानी कि एक ब्राह्मण थे, वो मंत्री भी थे, और उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। और किसके लिए स्टार्ट किया था, तो धर्म शास्त्रों के अनुसार बच्चों जो विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी गई थी, या यौवन के प्रारंभ होने से पहले विवाह कर दिया जाना था, उनको उन्होंने चुनौती दी थी। तो बोथ वन एंड टू, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, सही है, यानी कि हमारी राइट स्टेटमेंट क्या रहेगी, दोनों राइट स्टेटमेंट रहेगी, और आंसर रहेगा सी। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट है बच्चों, फिर भी हम इसको ले रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा एनडीए 2019 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, और इसको हम देखते हैं 2019 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन। इन द सिक्स ईयर ऑफ वेलेजली एडमिनिस्ट्रेशन द आर्मी अकाउंटेड फॉर 42.5% ऑफ द कंपनीज टोटल एक्सपेंडिचर। भाई इन्होंने क्या बोला, वेलेजली के प्रशासन में सेना के कुल व्यय का 42.5% खर्च किया गया। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? अब बच्चों इस स्टेटमेंट की बात करेंगे हम, राइट है या नहीं, तो इसके ऊपर हम चलते हैं कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह हमें राइट दिखाई नहीं देती। एक्चुअल में कुछ हद तक राइट है, लेकिन 42.5% 42.5% सेना पे खर्च नहीं किया गया था, तो ये स्टेटमेंट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो हमें गलत दिखाई देती है। इसके बाद हम दूसरी की बात करते हैं। वेल्जली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू द अफेयर ऑफ द कंपनी एंड हैड नथिंग टू डू विद द कॉमर्शियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द इंडियन रूलिंग फैमिलीज। भाई इन्होंने क्या बोला कि वेलेजली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे, और इसके बाद और भारतीय शासकों के परिवार वाणिज्य या सैन्य मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो हमें दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, यानी कि दो नंबर टू स्टेटमेंट हमारी राइट रहेगी। अब इन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट पूछा है। अब बच्चों अगर ये इनकरेक्ट पूछते तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट होती, अब इन्होंने करेक्ट पूछा है तो हमें क्या करना है, ओनली टू पे जाना है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन हमारा यहां पे राइट रहेगा, यानी कि ओनली टू स्टेटमेंट हमारी सही यहां पे हमें दिखाई देती है, तो दो स्टेटमेंट पूरी तरह यहां पे सही रहेगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब जाते हैं बच्चों, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रशियन रिवॉल्यूशन। ये बच्चों एनडीए 2019 सेकंड का क्वेश्चन है, 2019 के सेकंड का क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है।
और ये कौन सी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है? तो बच्चों बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जो कि रशिया की हुई थी और लेनिन उसके बाद में सर्वहारा वर्ग या फिर साम्यवाद को बढ़ावा देने वाले लीडर बने थे और लेनिन रशिया के प्रमुख बने थे। 1917 में ये क्रांति हुई थी बच्चों। द बोल्शेविक बिलीव्ड दैट इन ए रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी लाइक ट्राजिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिनड एंड आल्सो कंट्रोल द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। भाई इन्होंने क्या बोला, बोल्शेविकों को मानना था जरिस्ट रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए, यानी कि भरपूर लोग किसी पार्टी में शामिल नहीं होने चाहिए, यानी कि उन कुछ एक लोगों को ही इसमें शामिल करना चाहिए जो कि कंट्री को पूरी तरह सही करके चला पाए। अब बच्चों अगली स्टेटमेंट इसमें क्या दी जा रही है, अब इस अच्छा पहले हम बात करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही है क्योंकि इन्होंने जो बोला ये बात सही बोली। दूसरी, द मेंशेविक बिलीव्ड दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। भाई मेंशेविकों का मानना था कि पार्टी सभी के लिए खोली जाए, बोल्शेविकों का मानना था कि पार्टी सभी के लिए नहीं खोली जाए, पोलिट ब्यूरो होना चाहिए 10 लोगों का, और मेंशेविकों का मानना था कि सभी के लिए ओपन होनी चाहिए जैसा कि जर्मनी में है। तो बच्चों सेकंड स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह क्या रहती है, सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी तरह राइट रहती है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें बच्चों सी रहेगा, बोथ वन और बोथ टू, यानी कि बोथ वन एंड टू, ये आंसर हमारा यहां पे राइट रहेगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, 10 का आंसर सी करना है और नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसी स्टेटमेंट को दोबारा से रिक्रिएट करके पूछ लिया जाए, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बच्चों एनडीए 2019 सेकंड से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 के सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दयानंद आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म। भाई ये दयानंद सरस्वती से रिलेटेड स्टेटमेंट है और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है बच्चों की, दयानंद सरस्वती ने जो सोशल रिफॉर्म यहां पे स्टार्ट किया वो क्या था, एक्चुअल में उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो हम पहली स्टेटमेंट देखते हैं, दयानंद रिफॉर्म इन्वेजिज ए सोशल ऑर्डर वर डिफरेंस इज कास्ट फ्रॉम परफॉर्मिड फंक्शन सुटेबल टू देयर स्टेटस डिटरमाइंड बाय मेरिट। भाई क्या बोल रहा है, सिंपल सी स्टेटमेंट, दयानंद के सुधार ने एक समाजवादिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की जहां विभिन्न जातियों में योग्यता द्वारा निर्धारित अपनी स्थिति के उपयुक्त कार्य की हो, यानी कि जो लोग योग्य हो और जो लोग एजुकेटेड हो वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें क्या दिखाई देती है, पूरी तरह अगर इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत दिखाई देती है, एक्चुअल में दयानंद सरस्वती ने ऐसी बात नहीं कही थी। तो बच्चों पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं, दयानंद रोबस्ट वैदिक काउंटर पार्ट चैलेंजिंग द मस्कुलेंस वेस्ट डेट हैड इन्वेल्विड द आर्यावर्त, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। भाई इन्होंने क्या बोला, दयानंद के मजबूत वैदिक समकक्ष ने मर्दाना पश्चिम को चुनौती दी आर्यावर्त को गुलाम बनाने के लिए। बच्चों ये स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो कहां से रिलेटेड है, वैदिक संस्कृति से रिलेटेड स्टेटमेंट है। आर्यावर्त किसको बोला जाता था, वैदिक संस्कृति वाले पार्ट को, ब्रह्मावर्त आर्यावर्त ऋषि देश, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो अब बच्चों इसमें देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, राइट स्टेटमेंट दो है, यानी कि आंसर हमारे पास क्या रहेगा, बी रहेगा। हो सकता है अगली बार बच्चों इसमें पूछ लिया जाए, यानी कि ए नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये पूछ लिया जाए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक को करना पड़ेगा, क्योंकि दो तो हमारे पास राइट स्टेटमेंट है। तो बच्चों पूरी तरह आपको राइट के साथ साथ रोंग पे भी चलना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिखाई देता है, एनडीए 2019 सेकंड एग्जाम का ये क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई अमेरिका की लड़ाई से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है और मैंने बताया था अमेरिका 1774 में बच्चों आजाद हो गया था अमेरिका पूरी तरह, तो अमेरिकी लड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। द अमेरिकन राइजेड द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही है बच्चों, इन्होंने क्या बोला था, अमरीकियों ने नारा दिया प्रतिनिधित्व के बिना टैक्स नहीं, क्योंकि यहां पे रूल्ड कौन कर रहा था, ब्रिटेन रूल्ड कर रहा था,
इसके बाद द अमेरिकन मर्चेंट रिजोर्टेड टू द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट बच्चों, अमेरिका ने ब्रिटेन के प्रोडक्टों को क्या कर दिया था, पूरी तरह नकार दिया था कि इनका सामान हम नहीं खरीदेंगे, तो हमारे पास राइट स्टेटमेंट क्या रहेगी, बोथ वन एंड टू, यानी कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, पूरी तरह एक और दो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे सही दिखाई देती है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इजराहा सिस्टम। भाई ये क्या पूछ रहा है, इजराहा प्रणाली के बारे में। इजराहा प्रणाली एक्चुअल में बच्चों क्या होता है कि जब एग्रीमेंट होता है तो उसे इरादर या इजरा प्रणाली बोलते हैं, एग्रीमेंट कर लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, एनडीए 2019 सेकंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इसकी बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं इट वाज ए सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, बिल्कुल गलत है भाई, टैक्स से रिलेटेड सिस्टम नहीं था ये, एक सिस्टम किससे है, इजरा यानी कि वादा करना, उससे रिलेटेड है। तो ए स्टेटमेंट पूरी तरह हमारे पास यहां पे गलत हो जाएगी। इसके बाद बच्चों सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं इट, इसके बाद में हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इनकोरेज द रोल ऑफ मिडलमैन। बताया था बच्चों इकरार करना यानी कि एग्रीमेंट करना, बिचौलिए को बढ़ावा देना, बी स्टेटमेंट इज बिल्कुल, मतलब ये दिस इज ए राइट स्टेटमेंट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द पीजेंट। भाई पीजेंट के अंडर सिस्टम थोड़ी ना लिया गया था, ये इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व तय किया गया था, वो तो स्थायी बंदोबस्त रेतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग था। थर्ड इज इनकरेक्ट, द इजारेदार पेड ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। भाई इजारेदार फिक्स नहीं देता था, फिक्स कौन देता था, जमींदार देता था, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम या सेटलमेंट प्रोग्राम जिसको बोला गया उसके अकॉर्डिंग होता था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, बी रहेगा, आंसर इज बी, यानी कि बी आंसर आपका राइट रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों हमें एनडीए 2019 सेकंड एग्जाम से रिलेटेड मिलता है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ए नेशनल कॉलेज वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में किसके प्रधानाचार्य के अधीन एक राष्ट्रीय महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भाई सिंपल सा, रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल गलत बच्चों। रजनीकांत सेन, बिल्कुल गलत। सैयद अबू मोहम्मद, बिल्कुल गलत। अरविंदो घोष राइट आंसर, यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी अरविंदो घोष के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी तरह क्या किया गया था, हमारे यहाँ पे नेशनल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था बच्चों, तो बंगाल में नेशनल विश्वविद्यालय ओपन किया गया था अरविंदो घोष के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजयनगर डायनेस्टी से फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया विजयनगर डायनेस्टी से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि भाई क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता रहता है, यानी कि उसकी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन फिर से रिपीट होता रहता है। द रन्स ऑफ विजयनगर ए हम्पी वर ब्रॉट टू पब्लिक लाइट इन द ईयर 18th सेंचुरी बाय द फॉलोइंग ब्रिटिश सर्वेयर एंड इंजीनियर। भाई ब्रिटिश सर्वेक्षण और इंजीनियर द्वारा विजयनगर ए हम्पी के खंडरों को 1800 में सार्वजनिक प्रकाश में कौन लाया। तो इन्होंने क्या पूछा कि भाई कौन सा हिस्टोरियन, कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में रिसर्च की। तो बच्चों इसका सिंपल सा नेम है कोलिन मैगजी। कोलिन मैगजी ने इसको प्रकाश में लेके आया हम्पी को, और एक्चुअल में हम्पी नामक जगह से ही हमें प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द थर्ड कोएलिशन अगेंस्ट नेपोलियन। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन का हिस्सा नहीं था, एनडीए 2019 सेकंड। अब देखो 2019 का सेकंड है बच्चों, तो क्या रशिया, बिल्कुल गलत।
पर्शिया बिल्कुल गलत, स्वीडन बिल्कुल गलत। भाई कौन हिस्सा होगा, यानी कि ये तीनों हिस्सा थे और नेपोलियन था कहाँ का, फ्रांस का। तो अगली बार हो ये पूछा जा सकता है कि कौन हिस्सा था, तो फ्रांस हिस्सा था क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का था, और कौन से हिस्सा नहीं थे, तो रशिया पर्शिया स्वीडन इसका हिस्सा नहीं थे। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, बस आपको क्या करना है, आपको अपना तीसरी आंख को सक्रिय करना है, इंद्रियों को सक्रिय करना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे बच्चों। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन रिपीट हो तो उसको आपको समझना है कि किस प्रकार पूछा गया है। ये देखो इबन बतूता, मैंने बताया था मोरक्कन था, ये दोबारा से रिपीट हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेवलर्स एंड देयर नेशनलिटी इज नॉट करेक्टली मैचिंग। देखो 2018 का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या पूछा गया कि कौन सा मैच हो रहा है, यानी कि कौन सा पेयर मैच है। लेकिन 2019 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर मैच नहीं है। अब देखो बच्चों, इबन बतूता मोरक्को मैच है ये तो भाई, दुआर्ट बारबोसा पुर्तगीज था मैच है, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, इबन बतूता दुआर्ट बारबोसा इनके बारे में बताया था। निकोलो मुंसी वेनेशिया मैच है। अब हमारे पास कौन सा मैच नहीं है बच्चों, जीन बेपिस्टा टेवर्नियर, ये कहां का था, डच का। एक्चुअल में ये मैच नहीं है बच्चों, तो आपको क्या करना है, राइट आंसर सी करना है, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है बच्चों, लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो गई तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है बच्चों कि हमें राइट आंसर के साथ साथ रॉन्ग आंसर को भी करना है, जिससे हमें पता चलता रहे कि राइट आंसर के साथ जो रॉन्ग कर रहे हैं अगली बार स्टेटमेंट किस प्रकार से चेंज हो सकती है, तो वो भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो बच्चों जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यानी कि एक स्लाइड अगर हम कंप्लीट करते हैं तो मान के चलो आप 40-50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, यानी कि अगर हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनसे 50 क्वेश्चन आपके निकाले जा सकते हैं। बट आपको देखना पड़ेगा कि राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में अंतर क्या है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग पूछी जा रही है हो सकता है नेक्स्ट टाइम वही स्टेटमेंट आपसे दोबारा पूछ ली जाए, यानी कि उसका स्टेटमेंट चेंज करके पूछ लिया जाए, लेकिन वो उसी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना है। जय हिंद जय भारत बच्चों, कल फिर हम इसी टाइम इसी समय आपके साथ PYQ लेके फिर से हाजिर होंगे। इतने तक हमें विदा दीजिए, जय हिंद।